जी नमस्कार एंड जय हिंद। चलिए हम लोग आज जो टॉपिक कर रहे हैं थोड़ा सा लाइट ऊपर ले जाइए क्योंकि आ रहा है ऊपर चेहरे पर, ये कैमरे में आ रहा है ऊपर से परावर्तित होकर, मैंने ऊपर खड़ा होकर कोई दिखाइए। हाँ रहने दीजिए वो नहीं ठीक होगा, छोड़ दीजिए जहां में रख दीजिए जी। तो हम लोग आज बहुत सारे करंट एरिया आपके बीच लाने वाले हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस करंट से ज्यादा फायदा उठाएंगे, क्योंकि अभी जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा होने जा रहा है आगामी 6 माह तक, चाहे वो बिहार दरोगा हो, बीपीएससी की परीक्षा हो या आपका फायरमैन हो, सभी में ये क्वेश्चन हूबहू लड़ेगा और इससे ज्यादा करंट आप ना पढ़े। मैं बार बार कहता हूं कि कभी 1.5 साल का, कभी 2 साल का, कभी उससे 10 साल पुराना भी क्वेश्चन जो है आपके प्रतियोगिता परीक्षा में आता है जो अति महत्वपूर्ण है। एक चीज और राय दूंगा, विजय शर्मा जी देख रहे हैं धन्यवाद, कृष्णा श्रीवास्तव जी भी देख रहे हैं धन्यवाद। प्रतियोगियों को एक राय मैं दूंगा, मैं प्रतिदिन अपने कक्षा में भी बहुत सारा राय देता हूं और यही सफलता का कारण यही है, बेहतरीन मोटिवेशन एंड कोचिंग, नॉट ए ट्यूशन। मैं कोच की तरह सजेशन देता हूं और बच्चे उसका पालन भी करते हैं और सक्सेस भी होते हैं। तो देखिए अभी स्कोर ज्यादा जा रहा है, इस पर हम लोग मंथन किए, सोचे कि क्या कारण है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा जा रहा है। तो इसके पीछे 2 कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है मोबाइल। देखिए मोबाइल से एक तो बहुत क्वेश्चन वायरल हो जा रहा है, कुंदन जी धन्यवाद। तो मोबाइल से सबसे जो काम हो रहा है वह हो रहा है कि क्वेश्चन आधा घंटा एक घंटा पहले, कभी पूरा क्वेश्चन, कभी 10 क्वेश्चन, कभी 20 क्वेश्चन वायरल हो रहा है। अभी क्वेश्चन वायरल होने से उन लोगों तक भी पेपर पहुंच जा रहा है जो लोग कमजोर है, पढ़ने में तेज नहीं है। तो अगर 10-20-50 क्वेश्चन किसी के पास पहुंच जाए और निश्चित ही वो पेपर बना लेते हैं तो कटअप थोड़ा हाई जाएगा। दूसरी चीज है, आनंद सागर जी धन्यवाद, दूसरी चीज है कि जो बच्चे कोचिंग नहीं करते हैं, आजकल गूगल पर, यूट्यूब पर इतना अधिक मटेरियल भरा है, गूगल और यूट्यूब पर इतना ज्यादा मटेरियल भरा है कि क्या बताया जाए। और इसलिए बच्चे बहुत ज्यादा, आप कोचिंग आते हैं तो 2 घंटा पढ़ते हैं, 3 घंटा पढ़ते हैं और जाकर हरामी से थक जाते हैं। विजय शर्मा जी धन्यवाद। तो जाके हरामी से थक जाते हैं, लेकिन जो लड़का घर पर बैठकर मोबाइल देख रहा है, यूट्यूब से पढ़ रहा है, वो 4 घंटा पढ़ रहा है। अब आप सोचिए कि 4 घंटा अगर वो इंडिया के अच्छे अच्छे विशेषज्ञ से पढ़ रहा है तो उसे नॉलेज ज्यादा होगा ना। मैं ये नहीं कहूंगा कि केवल कोचिंग से ही बच्चों को फायदा है, कहीं से भी नॉलेज मिले, चाहे वो किताब से पढ़े, चाहे किसी कोचिंग के नोट्स से पढ़े, चाहे वो यूट्यूब से पढ़े, चाहे वो गूगल से पढ़े, मेन है कि नॉलेज कहीं से भी मजबूत होना चाहिए। और मजबूत नॉलेज होगा, कंपिटेटिव नॉलेज होगा तो बच्चा सक्सेस होगा। हाँ एक चीज है कि हम कोचिंग वाले जो बढ़िया कोचिंग वाले हैं, देखिए कोचिंग भी आजकल आप जान रहे हैं
कि कुकुर मुत्ते की तरह खुल रहे हैं, जहां जिसको मन किया खुद की तैयारी भी करना है तो कोचिंग लोग खोल के बैठ जा रहा है, और दो चार कोचिंग वाले से संगठन करके जोड़ के और बच्चे अपने आप बुला ले रहे हैं, तैयारी करा रहे हैं। वो भी पूरे नहीं, मैं कहूंगा वो भी अच्छे हैं, लेकिन अगर अच्छे कोचिंग वाले हैं तो वो अधिक से अधिक आपको खुद मेहनत करते हैं और बच्चों को समराइज करके देते हैं। जैसे अभी हम लोग ये करंट जो करेक्ट किए हैं आपके लिए, इसमें बहुत से मैजिक, बहुत से किताब का प्रयोग किए हैं, और फिर प्रीवियस पेपर जो 1979 से प्रारंभिक परीक्षा 1979 से कोठारी आयोग के सिफारिश पर जो प्रारंभ किया गया था, उस समय से प्रारंभिक परीक्षा के पेपर को देखकर मेमोराइज किए, याद किए। अभी तक मुझे लगता है कि जितने भी प्रारंभिक परीक्षा हुए होंगे, चाहे वो आईएएस का हो, बीपीएससी का हो, यूपी पीसीएस का हो, झारखंड पीसीएस का हो, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो, या फिर हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो, या छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, मध्य प्रदेश पीसीएस हो, उन सभी पेपर को, बिहार दरोगा हो, यूपी दरोगा हो, बिहार पुलिस तक के पेपर को, रेलवे तक के पेपर को हम लोग मेमोराइज किए हैं, रट गए हैं, कंठस्थ है। उसके आधार पर हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कौन से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, और उसी आधार पर आपको हम लोग करंट बता रहे हैं या कक्षा का आयोजन भी करते हैं। तो कोचिंग से बेनिफिट है, बशर्ते बढ़िया कोचिंग हो। बढ़िया कोचिंग आपको भटकने नहीं देगा, और हम लोग गार्जियन के परिश्रम को भी अपने ऊपर ले लेते हैं। आपको ये नहीं कि आपका गार्जियन आपको गाइड करे, अदर जगह बच्चे पढ़ते भी हैं लेकिन गाइडलाइन बढ़िया न मिलने से जितना वो आगे बढ़ते हैं उतना ही वो माइनस में भी जाते हैं। हमने देखा है कि बच्चे कोचिंग में भी ज्यादा बिगड़ रहे हैं, चाहे वो पटना की कोचिंग हो, छबड़ा की कोचिंग हो। शिक्षक अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए मजाक प्रकार का नॉलेज दे रहे हैं, जोक्स कर रहे हैं, हंसा रहे हैं और कह रहे हैं कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। अरे भीड़ तो मनोरंजन वाला खेसारी लाल भी व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन क्या इससे जॉब होगा? नहीं। तो इसलिए जॉब के लिए जो तरीका है वो है मेथड बेहतरीन कोचिंग, अच्छे कोचिंग चाहे जहां का भी हो। तो आइए हम लोग बिना समय गवाए थोड़ा करेंट अफेयर और कर लेते हैं। कल हमने किया था कि एप्पल के जो अभी प्रबंध निदेशक है टीम कुक है, इतना तक कल हुआ था। इससे आगे कुछ विश्व के महत्वपूर्ण देश है जिनकी राजधानी मुद्रा का नाम, वहां के संसद का नाम और वहां के शासनाध्यक्ष के बारे में पूछता है। ज्यादा नहीं, मात्र 7 ऐसे विश्व के देश हैं जिससे क्वेश्चन बार बार आता है। देशों की संख्या 262 है, पढ़ते मर जाएंगे, हम कराएंगे मात्र 7। देखते हैं जी, अगर आप हमारे लाइव है या यूट्यूब चैनल पर है तो नोट भी कीजिए, क्योंकि बार बार यूट्यूब देखेंगे तो आंख खराब हो जाएगी आपकी। देखिए मैं काला चश्मा लगाया हूं क्योंकि मेरी आंख पर भी प्रभाव पड़ता है। चीन, इसकी राजधानी बीजिंग है, चीन की राजधानी बीजिंग। मुद्रा युआन, मुद्रा युआन। यहां की संसद है पीपुल्स कांग्रेस, यहां की संसद है पीपुल कांग्रेस, और शासनाध्यक्ष है सी जिन पिंग, सी जिन पिंग। नेक्स्ट नेपाल, नेपाल
नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। मुद्रा है रुपया। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। मुद्रा है रुपया। यहां के संसद है राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल की संसद है राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल की संसद है राष्ट्रीय पंचायत। और शासनाध्यक्ष है विद्या देवी भंडारी। वहां की राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी। नेक्स्ट भूटान। भूटान की राजधानी है थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू। मुद्रा है नगुल ट्रम। याद रखेंगे आधा नौ गु ल ट मे र और म। नगुल ट्रम आधा नौ ग हर्षु ल ट मे र म। नगुल ट्रम। नगुल ट्रम दो चार बार बोल लेंगे आपको याद हो जाएगा। आधा नौ ग हर्षु ल ट मे र म। एक दूसरे को देखेंगे सबका वही हाल है। वो देख रहे उन्होंने वो उसने क्या लिखा, वो देख रहे उसने क्या लिखा। अब मेरे शब्दों को सुनकर लिखिए ना। नगुल ट्रम संसद को बोलते हैं तसोंगडू। आधा तो दंती स ओखले उस पर बुंदा ग ड दुर्घु। तसोंगडू तसोंगडू स्पष्ट आवाज जा रही है। तो संगड़ू वहां का संसद है और शासनाध्यक्ष है वहां के वांगचुक। वो आकार पर सोना ग चूक वांगचुक। वहां के शासनाध्यक्ष है वांगचुक। नेक्स्ट जापान। जापान राजधानी है टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो। मुद्रा येन। ये अन्नो येन। संसद है वहां की डायट। ड अकार डा यो ट डायट। पुरुषोत्तम जी नमस्कार। और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों का सहयोग मिलता रहे जी। वहां के संसद है डायट और शासनाध्यक्ष है ओकोहितो। ओकीहितो अकार क हर्षी ह हर्षी त उकले ओकीहितो। ये वहां के राष्ट्रपति है। प्रधानमंत्री भी लिख लेंगे। हालांकि जापान में राष्ट्रपति नहीं होता, जापान में राजा होता है क्योंकि जापान एक स्वतंत्र देश है, गणतंत्र देश नहीं है। जैसे ब्रिटेन जैसे ऑस्ट्रेलिया वहां पर राजा के वंशज में से ही किसी को बनाया जाता है। तो ओकीहितो वहां के राजा है लेकिन प्रधानमंत्री है फुमियो किसिदा। फुमियो किसिदा। फुमियो किसिदा जापान की प्रधानमंत्री है फुमियो किसिदा। फुमियो किसिदा प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री का वहां निर्वाचन होता है। वो स्वतंत्र देश है। गणतंत्र उसे कहते हैं जिसका शासनाध्यक्ष एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होता हो। और ध्यान रखेंगे कि आपके बहुत से देश अभी विश्व में गणतंत्र नहीं है। हालांकि वहां संविधान पर पूरी तरह अधिकार प्रधानमंत्री का ही होता है। अभी भी ऑस्ट्रेलिया के जो महारानी है यानी कि चीफ ऑफ कंट्री है वो ब्रिटेन की महारानी है लेकिन सैम रॉयल्टी है यानी झूठी पद है, झूठी शान है। तो इस तरीके से उनका कोई वैल्यू नहीं है, केवल एक हृदय की वैल्यू है, नॉट ए कंस्टिट्यूशनल वैल्यू। ठीक है। आगे म्यांमार।
म्यांमार यहां की राजधानी है। नेपैताओ ने य न पर एक ले ने य ने य प ई ता व ने पैताओ। और यहां की मुद्रा है कयात, आधा क या त कयात म्यांमार के की राजधानी है। नेपैताओ मुद्रा है कयात, संसद है। पिथु हलोतु पिथु पिथु हलु तो पिथु हलोतु, ठीक है। और ध्यान रखेंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए, राजधानी पता है सबको वाशिंगटन डीसी, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। और मुद्रा डॉलर सबको ही जानता है, संसद को कांग्रेस कहते हैं वहां के, अमेरिका के संसद को कांग्रेस कहते हैं, ये सब कोई जानता है, इधर से क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन ये पूछ सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडेन, जो बाइडेन। ध्यान रखिएगा बीपीएससी और बिहार दरोगा इस सब में नाम माइनर चेंज करके रीजनिंग टाइप के जी के जीएस आता तो दे देगा को बाइडेन, जो बाइडेन, सो बाइडेन, रे बाइडेन, क्या करेंगे आप? तो बैठ के रोइएगा कि ला हम तो खाली बाइडेन पढ़े हैं और बाइडेन सब में है, इसलिए इसे जानना जरूरी है। ब्रिटेन, ब्रिटेन की राजधानी लंदन सबको जानता है, और ब्रिटेन के मुद्रा पौंड स्टर्लिंग पौंड सभी जानते हैं। पार्लियामेंट वहां की संसद को बोलते हैं ये भी आप जानते हैं, लेकिन हाँ वहां की जो महारानी है ये लिखना जरूरी है, एलिजाबेथ टेलर, ब्रिटेन की सम्राज्ञी है एलिजाबेथ टेलर। और वहां के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, बोरिस जॉनसन। ध्यान रखेंगे 26 जनवरी 2021 को बोरिस जॉनसन भारत के चीफ गेस्ट होने वाले थे, परंतु कोरोना ज्यादा होने के कारण उन्होंने आने से इनकार कर दिया। आगे चलते हैं, भारत रत्न के बारे में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, और कहीं ना कहीं ऐसे प्रश्न बराबर आते हैं, तो थोड़ा सा हिस्टोग्राफी ऑफ भारत रत्न जान लेंगे। 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न देने की व्यवस्था की गई, 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न देने की व्यवस्था की गई। धन्यवाद यादव मनीष जी, नमस्कार आपको भी। 2 जनवरी 1954, और ध्यान रखेंगे कि 26 जनवरी को 3 आदमी को मिला, राधा कृष्णन, राजगोपालाचारी और रमा। पहला 3 आदमी थे जिनको 1954 में मिला, राधा कृष्णन, राजगोपालाचारी और रमा। राधा कृष्णन, राजगोपालाचारी और रमन, र र र। नेक्स्ट, अभी जो भारत रत्न मिला है लास्ट 2019 में, इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। इसमें है प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी,
भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख जी जी नेक्स्ट वन। अभी तक कुल 48 व्यक्ति को 48 आदमी को भारत रत्न मिल चुका है। अभी तक 48 आदमी को भारत रत्न मिल चुका है। 48 आदमी को भारत रत्न मिल चुका है। अब ये क्वेश्चन आता है कि प्रथम विदेशी कौन था जिनको भारत रत्न मिला? अब्दुल गफूर खान। अब्दुल गफूर खान 1987 पहला विदेशी जिन्हें भारत रत्न मिला, अब्दुल गफूर खान। अब्दुल गफार गफूर खान ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के रहने वाले थे। पाकिस्तान इनको लंबे समय तक ही जेल में रखा क्योंकि ये एकल भारत के समर्थक थे। नेक्स्ट, प्रथम महिला जिन्हें भारत रत्न मिला, श्रीमती इंदिरा गांधी। प्रथम महिला जिन्हें भारत रत्न मिला, श्रीमती इंदिरा गांधी 1971 1971। नेक्स्ट, दूसरा विदेशी व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न मिला, नेल्सन मंडेला। दूसरा विदेशी व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न मिला, नेल्सन मंडेला। दूसरा व्यक्ति विदेशी व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न मिला, नेल्सन मंडेला। थोड़ा फास्ट लिखिए, 1990। और जानते हैं किस देश के रहने वाले थे? ये दक्षिण अफ्रीका के। ये 25 साल तक जेल में बंद रहे, 25 साल तक अफ्रीका के जेल में बंद रहे। और ये गोरे काले को अंतर को मिटाने के लिए आंदोलन चलाए थे। गोरे काले को दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज बड़ा डिफरेंसेस से रखते थे, अतः इसी के लिए इन्होंने महात्मा गांधी के कदमों से कदम मिलाकर उनके विचारों से आगे बढ़े, वहां के राष्ट्रपति भी बने। नेक्स्ट, मरणोपरांत सबसे पहले भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री। मरणोपरांत सबसे पहले भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी। नेक्स्ट, प्रथम गायिका जिन्हें भारत रत्न मिला, एमएस सुबालक्ष्मी। प्रथम गायिका जिन्हें भारत रत्न मिला, एमएस सुबालक्ष्मी। प्रथम गायिका जिन्हें भारत रत्न मिला, एमएस सुबालक्ष्मी 1997 1997 1997। एक दासी पुत्री थी, अच्छी गायिका थी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी इन्होंने गाया था और बहुत ही अच्छी गायिका में इन्हें विश्व में प्रतिष्ठा मिलता है। आगे, प्रथम खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर। प्रथम खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर जिन्हें 2014 में भारत रत्न मिला। प्रथम खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर जिन्हें 2014 में संशोधन करके भारत रत्न दिया गया, भारत रत्न दिया गया जी, संशोधन करके, खिलाड़ी के देने की व्यवस्था नहीं थी जी जी 2014 में। अभी तक 48 आदमी को भारत रत्न मिल चुका है। अभी तक 48 मैन को भारत रत्न मिला है जी। नेक्स्ट, जापान के शिंजो आबे। जापान के शिंजो आबे को
भारत सरकार ने पद्म विभूषण पद से नवाजा है। भारत सरकार ने पद्म विभूषण पद से नवाजा है। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार। 1885 में अल्फ्रेड नोबेल ने 1885 में अल्फ्रेड नोबेल की व्यक्तिगत संपत्ति से इस पुरस्कार को देने की घोषणा की गई। इसी वर्ष कांग्रेस की स्थापना भी हुआ था, याद रखना है, 1885। हाँ, 1901 से पुरस्कार देना प्रारंभ हुआ। 1901 से पुरस्कार देना प्रारंभ किया गया। 1901 से पुरस्कार देना प्रारंभ किया गया। 10 दिसंबर को यह पुरस्कार दिया जाता है। 10 दिसंबर को यह पुरस्कार दिया जाता है क्योंकि इसी दिन अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई थी। थोड़ा दिखाना चाहेंगे कि देखिए बच्चे क्लास में भी बैठे हैं और वो नोट कर रहे हैं, तो इस तरीके से दोनों काम हो रहा है सामने सामने। जी जी, क्योंकि समय ही नहीं है, ईश्वर की कृपा से इतने ज्यादा बैच है मेरे पास और आप छपरा वासियों के सहयोग से कि वक्त ही नहीं है कि इसके लिए अलग से वीडियो बनाया जाए, तो कक्षा के ही वीडियो को हम लोग लाइव भी कर रहे हैं और इसी वीडियो को हम लोग YouTube पर भी डालेंगे थोड़े ही देर बाद, जब जितना देर में पोस्ट हो जाए। इसलिए आपको ऐसा नहीं कि YouTube का अलग होगा और कक्षा का अलग होगा, बिल्कुल एक ही प्रकार से चलता है। हाँ, ये है कि थोड़ा सा बेहतरीन करने की और कोशिश करते हैं हम लोग। धन्यवाद अजीत जी, नमस्कार आपको भी। हाँ, तो 10 दिसंबर को ये पुरस्कार दिया जाता है क्योंकि 10 दिसंबर को ही अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई थी। इसमें 90 लाख स्वीडिश क्रोनर दिया जाता है। 90 लाख स्वीडिश क्रोनर दिया जाता है। 90 लाख स्वीडिश क्रोनर दिया जाता है। पहले 5 क्षेत्र में दिया जाता था, अब 6 क्षेत्र में दिया जाता है। पहले 5 क्षेत्र में दिया जाता था, अब 6 क्षेत्र में दिया जाता है। भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति, साहित्य। भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति, साहित्य, ये 5 क्षेत्र हुए। भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति और समृद्धि। 1969 में गांधी जी के जन्म के ठीक 100 साल बाद 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी प्रारंभ कर दिया गया। 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी प्रारंभ कर दिया गया। जी, 2021 में शांति के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है, घोषणा पहले हो चुकी थी। 2021 में शांति के लिए मारिया रेसा, ये फिलीपींस के की रहने वाली है, मारिया रेसा एवं आंद्रेविच मुरातोव। मारिया रेसा फिलीपींस,
मारिया डेसा फिलीपींस एवं आंद्रेविच मोरातोव आंद्रेविच मोरातोव ये रूस के हैं। कोष्ट में रूस लिख लेंगे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए मिला है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारत के संविधान में भाग तीन के अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 में ये दिया गया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिसमें वाक स्वतंत्रता जिसमें प्रिंट मीडिया की स्वतंत्रता भी उसी के अंदर आ जाता है। जी जी नेक्स्ट, साहित्य के क्षेत्र में अब्दुल रज्जाक गुरनाह को मिला है, बहुत अच्छी किताब है इनकी। साहित्य के क्षेत्र में अब्दुल रज्जाक गुरनाह एक ही आदमी का नाम है ये, अब्दुल रज्जाक गुरनाह। इनका जन्म जंजीबार में हुआ था, जंजीबार लौंग के द्वीप के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म जंजीबार में हुआ था, जंजीबार अफ्रीकी कंट्री है जिसको लौंग का द्वीप कहते हैं, हाँ जंजीबार में। और ये ब्रिटेन में बस गए थे, ये लंदन में जाकर बस गए हैं यूनाइटेड किंगडम में। और इनकी पुस्तक का बेस है शरणार्थियों की समस्या। इसके लिए इन्हें 2021 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। इसके बाद कुछ फिल्म सेक्टर के भी पुरस्कार आते हैं, उसे भी हम कर ही लेते हैं। ये स्टडी पॉइंट दावा करता है कि जो हम यहां करा देंगे उससे एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आएगा, हमेशा ही 95% से ऊपर प्रश्न यहां के लड़ते हैं और लड़ेंगे। बच्चे भी हैं और पास भी करते हैं और इस बार भी किए हैं। तो इस तरीके से आगे नोट करते हैं, 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार का आयोजन, 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार का आयोजन, 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार का आयोजन 27 मार्च 2021 को किया गया। 66 फिल्म फेयर अवार्ड का आयोजन 27 मार्च 2021 को किया गया। थप्पड़ से डर नहीं लगता बाबू, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म थप्पड़ को मिला। सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको घोषित किया गया? थप्पड़। सर्वश्रेष्ठ पिक्चर किसको घोषित किया गया? थप्पड़ को। थप्पड़ में दम है ना जी। चलिए आगे, जी सीने पुरस्कार 2020, जी सीने पुरस्कार 2020 के अनुसार, अलग अलग पूछ देता है, जी सीने पुरस्कार 2020 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ फिल्म गली बॉय को मिला। सर्वश्रेष्ठ फिल्म गली बॉय को घोषित किया गया जी सिने पुरस्कार 2020 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ फिल्म गली बॉय को घोषित किया गया। जी नेक्स्ट, मिस वर्ल्ड, जी आज ही मिलने वाला है, देखिए किसको मिलता है, शाम तक घोषणा हो जाएगा। मिस वर्ल्ड 2019 का आयोजन 2020 में हुआ। मिस वर्ल्ड 2019 का आयोजन 2020 में हुआ और टोनी एन सिंह, नाम से लग रहा है इंडिया की है,
टॉनी एन सिंह जमैका को मिला। टॉनी एन सिंह ये जमैका की रहने वाली है, उन्हें मिला। 2021 का आयोजन आज 16 दिसंबर को, 2021 का आयोजन आज यानी 16 दिसंबर को सैन जुआन पोर्टिको प्यूर्टो रिको, सैन जुआन प्यूर्टो रिको में हो रहा है। सैन जुआन प्यूर्टो रिको में हो रहा है, 4 घंटे बाद घोषित हो जाएगा, 4 घंटे बाद घोषित हो जाएगा किसे मिल रहा है, अभी तक घोषित नहीं है। नेक्स्ट मिस यूनिवर्स, मेरी शुभकामना है कि भारत को ही मिले मिस यूनिवर्स ना, वो तो मिस यूनिवर्स मिला है, मैं मिस वर्ल्ड आज जो मिलने जा रहा है उसकी बात मैं कर रहा हूं। मिस यूनिवर्स को भारत पंजाब ने ले ही लिया है संधू में जी। मिस यूनिवर्स 2020, कई बार पुराना वाला भी दे देता है। मिस यूनिवर्स 2020 एंड्रिया मेजा को मिला था, मैक्सिको की रहने वाली है। एंड्रिया मेजा, एंड्रिया मेजा को मिला था जो मैक्सिको की रहने वाली है। और 2021 हर व्यक्ति को नाज है जिसे संधू पर, हरनाज संधु, हर व्यक्ति को नाज है जिस संधु पर, हरनाज संधु बधाई हो हरनाज जी। हरनाज संधु ये पंजाब भारत की रहने वाली है, हरनाज संधु पंजाब भारत की रहने वाली है जी। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर हम 5 मिनट बाद आपके बीच आ रहे हैं। सूर्य छपड़ा बिहार जी, धन्यवाद आप वाच कर रहे हैं, लेकिन शेष करेंट हम थोड़ी देर बाद फिर आते हैं लाइव, उसे देखेंगे। और यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं तो और कीजिए, जिससे हम लोग यूट्यूब पर ही चलाना प्रारंभ करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत जी।